श्रीलंका में इस समय सियासी घमासान जारी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने तय समय से 20 महीने पहले ही संसद को भंग कर दिया था। इसके बाद अब राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने के लिए विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। चुनाव आयोग का सदस्य भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। श्रीलंका के राष्ट्रपति के खिलाफ राजनीतिक दलों के अलावा निर्वाचन आयोग का सदस्य भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पहुंचा है। राष्ट्रपति मैत्रीपाल के इस फैसले की निंदा पश्चिमी देशों ने की थी, जिसके बाद राजनीतिक दलों को राष्ट्रपति को घेरने का मौका मिल गया है। 4.5 साल से पहले संसद को नहीं कर सकते भंग। संविधान के 19वें संशोधन के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति संसद को 4.5 का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग नहीं कर सकते हैं। संसद का मौजूदा कार्यकाल अगस्त 2020 तक है। राष्ट्रपति सिरिसेना ने 9 नवंबर को संसद भंग कर अगले साल की 5 जनवरी को चुनाव करने की घोषणा की थी। राष्ट्रपति ने कहा, यह फैसला सांसदों के बीच संघर्ष टालने के लिए लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना ने राष्ट्र के नाम संदेश में अपने फैसले पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सांसदों के बीच संभावित संघर्ष को टालने के लिए लिया था। मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि 14 नवंबर को होने वाले बहुमत परीक्षण के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो सकता था। राष्ट्रपति ने कहा, अगर सांसदों में आपस में टकराव होता तो कुछ मौतें भी हो सकती थी और सांसदों का यह संघर्ष देश में फैल सकता था। राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने इन हालातों को देखकर संसद भंग करने का फैसला लिया। गैर कानूनी आदेश का पालन ना करें नौकरशाह। श्रीलंका की संसद के स्पीकर कारू जयसूर्या ने नौकरशाहों से कहा कि वे कोई भी गैर कानूनी आदेशों का पालन ना करें। स्पीकर ने कहा कि भले ही वह आदेश किसी ने भी दिया हो, उन्होंने राष्ट्रपति से तुरंत संसद सत्र बुलाने का अनुरोध भी किया ताकि पता चल सके कि बहुमत किस पार्टी के साथ है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।